छत्तीसगढ़ एनुमिस्मैटिक हिस्ट्री 2018, एक ऐसी फिल्म जो प्राचीन भारत के ऐतिहासिक सिक्कों के बारे में बनाई गई है। इस फिल्म में 2700 साल पुराने छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक सिक्कों का वर्णन किया गया है। आइए जानते हैं प्रोड्यूसर आदित्य प्रताप सिंह से आखिर इन सिक्कों का राज क्या है। छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक सिक्के वाकई में दिलचस्प सुनने में लग रहा है। आइए जानते हैं इस फिल्म के प्रोड्यूसर कि आखिर क्या कुछ इस छत्तीसगढ़ के सिक्कों का राज है। छत्तीसगढ़ के इसमें हमने पुराने सिक्के जो 2700 साल पुराने तक सिक्के हैं, जैसे 1000 साल, और इसमें मेरे फादर का कलेक्शन है पूरा, तो उनके सिक्कों को लेके हमने डिस्क्राइब किया है इसमें, और मेरा पार्ट इसमें एक्टिंग भी किया हूँ मैं और प्रोड्यूस भी किया हूँ। सबसे बड़ी बात है सर कि जिस तरह से आपने इस सिक्कों को सजोया है, बनाया है, और एक नई फिल्म जो वाकई में बहुत ही दिलचस्प होगा इसे देखना दर्शकों के लिए, तो क्या कुछ इसमें नया कुछ आपने देखा और बनाया है इसमें जो बाकी पिक्चरों में नहीं है। इसमें सबसे पहले तो एक सिक्का है जो 2700 साल पुराना है छत्तीसगढ़ का, वो किसी के पास नहीं है पूरे वर्ल्ड में। मतलब ये मेरे को कहते हुए गौरव भी फील हो रहा है कि मेरे फादर का कलेक्शन नहीं है, जो इस फिल्म के डायरेक्टर है डॉक्टर भानु प्रताप सिंह। और इसमें वही एक सबसे अच्छा, क्योंकि बाकी लोग क्या करते हैं सिक्के मतलब रखते नहीं हैं, मतलब वो गला देते हैं, सोना है तो चलो गला दिए, गोल्ड में यूज़ कर लेंगे, पर उनको इस चीज़ की वैल्यू उनको खुद को नहीं पता है कि इसकी वैल्यू सोने से ज़्यादा है, क्योंकि ये आपको मिलेगा नहीं। तो उसी में पूरा डिस्क्राइब है इसमें आपको, सबको राजा महाराजा मतलब सिक्के के जो बनाए हैं वो पूरा डिटेल जानकारी मिलेगी। सबसे पहले मैं सर जानना चाहूँगा कि इस फिल्म में जो किरदार है वो वाकई में दिलचस्प होगा, क्योंकि ये प्राचीन ऐतिहासिक चीजों पर निर्धारित है, तो इस फिल्म के डायरेक्टर से और इन फिल्म के एक्टर एक्ट्रेस इस फिल्म वाकई में किस तरह से जो ये फिल्म को बनाया गया है। इसमें एक मेरी फ्रेंड है, ब्लॉगर है, जो अश्मिता अरोड़ा, वो दिल्ली से हैं, उन्होंने मेरे को कॉन्टेक्ट किया था कि आर्टिकल देख के, पापा ने PhD किया है इसमें, तो उन्होंने कॉन्टेक्ट किया कि वो उनके ऊपर ब्लॉग लिखना चाहती, तो मुझे लगा कि क्यों ना फिल्म बनाया जाए और वो ब्लॉग भी लिखे। तो इसमें अस्मिता अरोड़ा लीड रोल कर रही है और मैं भी इसमें हूँ, लीड रोल कर रहा हूँ। और इसमें हमारे कलेक्शन को देखने के लिए प्राची देसाई जी आई थी, जो कि वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में लीड रोल की हैं, वो आई थी, तो उनको उनका भी पार्ट हमने डाला है, और रितिका बदयानी भी इसमें रोल पे लेते हैं। जी वाकई में ये जो कलाकार हैं उन्होंने इसको सराहा है, और सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी ये फिल्म कब आ रही है और किस तरह से दर्शकों के सामने आएगी। हमारा मतलब पोस्ट प्रोडक्शन वर्क तो चल रहा है, मतलब अगर कोशिश तो यही कि 21 अगस्त को कर दें, पर अगर डिले भी होता है तो अगस्त में कर देंगे। ये फिल्म इमोशनल है या कोई फैमिली रिलेटेड है, किस तरह की फिल्म? ये ना तो इमोशनल है ना तो एक फ्रेंड है, मतलब कांटेक्ट किया उन्होंने, मतलब कि आर्टिकल लिखा मेरे को, तो उस बारे में करते हुए डिस्क्रिप्शन है। एक डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म बोल सकते हैं इसको, मतलब ना कि डॉक्यूमेंट्री इसलिए नहीं है क्योंकि ये 45 मिनट के ऊपर की है, मतलब 100-110 मिनट जाएगा इसका टोटल ड्यूरेशन जो है, तो ये फीचर फिल्म इसलिए उसी लिए कहलाएगी, और इसको रिलीज भी हम करेंगे तो इसलिए फीचर फिल्म। दर्शकों के लिए क्या रहेगा कि दर्शकों को किस तरह से आप इस थिएटर पे खींच लाएगी ये फिल्म? दर्शकों के लिए ये है कि ये पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसमें कहानी मतलब लाया गया है, तो सिर्फ डॉक्यूमेंट्री फिल्म को दर्शक नहीं देखना चाहते हैं कि बोर हो जाते हैं, कोई भी जैसे आज की जनरेशन के लड़के हैं वो बोर हो जाते हैं, पर इसमें एक कहानी है, तो कहानी को देखते हुए लोग देखना पसंद करेंगे, और इसको जो कहानी को सिक्के को जो डिस्क्राइब किया गया है तो लोगों को पूरा सिक्के अच्छे से दिखाया जाएगा, उसके बारे में एक एक चीज़ डिटेल बताई जाएगी, उसके वेट से लेकर उसका राजा महाराजा मतलब कब का है क्या है सब चीज़ बताया जाएगा। इस फिल्म को जब अपने सोचा होगा या आपके पिताजी ने बनाया हुआ, तो आपको बहुत सारे बड़े डायरेक्टरों का भी इससे रिलेटेड कभी अपने किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश? कांटेक्ट तो नहीं की थी, क्योंकि फादर ने 2-3 पिक्चर बनाई है, और इसमें जगमोहन कपूर जी हैं हमारे, मतलब उन्होंने एक आशीर्वाद रहा है, 10 साल से फिल्म एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे हैं, तो उनका एक आशीर्वाद है। जी हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प देखने के लिए कि प्राचीन काल के जो सिक्के कभी किसी ने देखे नहीं होंगे, उस सिक्कों को इस फिल्म के जरिए इन्होंने लोगों के सामने रखने की कोशिश की है।